ये देखिए कितना क्रिस्पी करारा चटपटा नाश्ता, जिसे बच्चों को बड़ों को किसी को भी आप दें रोज़ डिमांड करेंगे आपसे बनाने के लिए। और जो आपके किचन में मसाले होते हैं ना, उन्हीं से बन जाता है। मास्टर यार रेसिपी है, वीडियो को स्किप मत करना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, पूनम स्वागत करती हूँ आपका अपनी पसंद भाई पूनम साहू में। फिर साल में आपके साथ एक न्यू रेसिपी लेकर आ गई हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। अगर मेरे चैनल को फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे मेरे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रेसिपी आप इंजॉय कैसे करोगे। और इस स्नैक्स को बनाने के लिए मैंने ये सूजी ली है। फ्रेंड्स, हम सूजी आलू से स्नैक्स बनाने वाले हैं। मैंने एक कटोरी सूजी ली, आप मोटी बारीक कोई भी ले सकते हो जो आपके किचन में अवेलेबल हो। बस उसे आप एक बार छान कर ले लें, जिससे कीड़े वगैरह हो तो निकल जाएँ। 1 टेबल स्पून मैंने रिफाइंड ऑयल लिया, आपको रिफाइंड ऑयल का ही यूज़ करना है। 1/3 जितना जीरा और 1 पिंच हींग लिया मैंने। अगर आप नहीं लाइक करते तो स्किप कर सकते हैं। 1/3 ही मैंने अजवाइन ली है, और मैंने ये रेगुलर सॉल्ट लिया है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़े से करी लीव लिया है। अगर आपके पास हरा धनिया हो तो आप उसका यूज भी कर सकते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं, या फिर दोनों आप डाल सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। और मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 1/2 टीस्पून जितना मैंने चिली फ्लेक्स लिया है। आप फाइन वाली लाल मिर्च पाउडर का यूज़ ना करें, नहीं तो नाश्ते कलर लाल कलर का हो जाएगा। आप मोटी कोटी लाल मिर्च का ही यूज़ करें। और मैंने 2 मीडियम साइज़ के बॉयल आलू हैं, जिसे मैंने कद्दूकस करके लिया है, जिसे बड़े चंक्स नहीं होने चाहिए। और चलिए, मैंने गैस को ऑन करके कढ़ाई रखा है। अब जिस कटोरी से मैंने सूजी ली है, सेम कटोरी ली है, उससे हम 3 गुना पानी डालेंगे। आप कोई कटोरी या कप जो भी हो उसको सेट कर लें, आपको उसका 3 गुना पानी डालना है। तो मैंने 3 कटोरी पानी भर के डाला है, और मैंने नमक डाल दिया है, और जो मैंने ऑयल लिया था उसको भी डाल दिया है। गैस का फ्लेम हाई है, और करी लीव भी डाल दिया। अगर करी लीव आप यूज़ करें तो अभी डाल दें, जिससे ये कुक हो जाएंगे साथ में। अगर हरे धनिया का यूज़ करें तो आपको बाद में डालना, भी मैं बताऊंगी। तो अब इसको हम अच्छे से गर्म होने देंगे। देखिए बॉयल की कंडीशन पे आ गया, तो मैंने एक हाथ से सूजी डालकर एक हाथ से मिक्स करते वैसे ही कंटिन्यू आपको चलाना है। और गैस का फ्लेम आप लो मीडियम कर लें, क्योंकि बहुत जल्दी थीक होने लगती सूजी। और अब इसे लो मीडियम पर हम कंटिन्यू चलाते हुए कुक करेंगे। मेरे चैनल पर फ्रेंड्स और भी सूजी नाश्ता अपलोड हैं, गेहूं के आटे से बने हुए, ब्रेड से बने हुए, और भी बहुत ही डिफरेंट टाइप स्नैक्स अपलोड हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और देखिए बिल्कुल डो फॉर्म में आने तक आपको कुक करना है। आप बीच में गैस का फ्लेम बढ़ा भी सकते हैं, जब आपको लगे ये थोड़ा डो फॉर्म में आने लगा है तो जल्दी से ये कुक हो जाता है। और आप इसे हाथ को पहले थोड़ा सा गीला कर ले, नहीं बहुत तेज़ी से ये हाथ पे गर्म लगता है। और गोली बनाकर चेक करें, ऐसे नहीं चिपके तो समझिए परफेक्ट है। और इस स्पैचुला से गिराकर देख लीजिए, पूरा गिरना चाहिए एक बार में। मैंने गैस को ऑफ कर दिया है, और इसे अब हम बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अगर आप इसे पहले अच्छे से कुक नहीं करेंगे फ्रेंड्स, बिल्कुल डो फॉर्म में आने जैसा, तो ये जब आप फ्राई करेंगे तो फट जाएगा ऑयल में जाते ही। और इसे बीच बीच में स्पून से मैंने चला दिया ऊपर से नीचे, जिससे ठंडा हो जाए। आपको फ़ैन के नीचे नहीं रखना है, जिससे सूजी बिल्कुल ड्राई ना हो। और थोड़ा सा गर्म लग रहा हाथ से टच करने में, मैंने इसमें आलू जो कद्दूकस करके लिया था उसको डाल दिया, और अजवाइन को क्रश करके डाल दूंगी। फ्रेंड्स, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी अच्छी होती है, और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। बट आप इसमें से कुछ भी लाइक नहीं करते, जीरा, हींग या अजवाइन, तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मैंने इसमें हींग, अजवाइन, जीरा तीनों चीज़ें डाली हैं, और चिली फ्लेक्स को भी ऐड कर दिया है। आप अपने तीखे के अकॉर्डिंग डालें इसको। और इसी स्टेज पर आप हरा धनिया डाल दें। अगर आप हरा धनिया डालना चाहते हैं तो आप हरा धनिया अब इसमें ऐड कर लें, या फिर थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल सकते हैं। अगर और ज़्यादा तीखा लाइक करते हैं तो थोड़ा सा इसमें काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। और अब अच्छे से इसे हम गूंथ कर डो जैसा तैयार कर लेंगे, जिससे सारी चीज़ें कम्बाइंड हो जाएँ। देखा फ्रेंड्स आपने कितने कम लागत में, और जो हमारे किचन में सभी चीज़ें अवेलेबल होती हैं और हेल्दी भी है, सूजी से बना है, तो आप बहुत ही झटपट इसे बना सकते हैं। ऐसी और मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। और देखिए मैंने 2 भाग में बड़े लोई जैसा इसे डिवाइड कर लिया, बना लिया। मैंने हाथों में ऑयल लगाकर ये लोई बनाई, नहीं फ्रेंड्स बहुत चिपकेगा, तो आप हाथों में ऑयल लगा लें। और मैंने चकले बेलन पर भी ऑयल लगा लिया है, और इसे रोटेट करते हुए ऐसे हम मोटा मोटा बेल लेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आप इसे उठाएँगे तो टूटने का डर रहेगा, तो ऐसे आप रोटेट कर लें चकले को। और मैंने नाइफ में भी ऑयल लगा लिया, जिससे ये चिपके नहीं। बट फ्रेंड्स फिर भी आपको लगे चिपक रहा है नाइफ पे भी, तो फिर से आप इसे थोड़ा सा क्लीन कर दें और फिर ऑयल लगा लें। फिर थोड़ा सा आप पेशेंस के साथ बनाएंगे। देखिए जैसे चिपक रहा है, तो मैंने अभी इसमें फिर से ऑयल लगा लिया।
तो आपका रेसिपी बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होगी। फिर जब आप अच्छी सी रेसिपी बनकर देखेंगे, तैयार हो जाएगी, तो आपके मुंह से भी वाव ही निकलेगा। तो पेशेंस के साथ बनाइए, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ। और इसे मैं ऐसे ट्रायंगल में कट कर लूँगी, आप इसे गोल गोल भी बना सकते हैं छोटी छोटी। ये देखिए इसकी थिकनेस देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पतला आपको नहीं रखना है। और सारे ऐसे ही कट करके एक बार में ही तैयार कर लें, आप किसी ट्रे प्लेट में रख लें। और चलिए फ्राई करने का प्रोसेस आपको बताते हैं। मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है, ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए। गैस का फ्लेम मैंने हाई रखा है, थोड़ा सा मैंने डाला है बैटर चेक करने के लिए। अगर आप लो पर डालेंगे तो बहुत ही ऑयली हो जाएगा, तो आप इसे अच्छे गर्म ऑयल में ही डालें और गैस का फ्लेम हाई रखें। सूजी का नाश्ता है तो फ्राई होने के लिए इसे फ्लेम अच्छे से चाहिए और हीट ऑयल चाहिए। और तुरंत आपको नहीं टच करना है, आपको ये याद रखना है, क्योंकि ये सॉफ्ट होता है, टूट जाएगा। अभी आपको मैं बताती हूँ, जब ये फूल जाएगा आपको दिखेगा ये बिल्कुल बलून जैसे, जैसे कचौड़ियाँ या पूड़ियाँ बनाते हैं तो फूल जाती है, ये देखिए। तभी मैंने इसे एक एक करके पलटा है, आप फोक स्पून कलछी जिससे पलटना चाहें। और फ्रेंड्स, ये डालने पर थोड़ा जब ये सॉफ्ट रहती तो आपस में चिपक भी जाती हैं, तो आप इन्हें तुरंत जब सॉफ्ट रहे तो इन्हें अलग करने का कोशिश ना करें। देखिए टूट गई थी मेरी एक। जब ये फ्राई हो जाएंगे तो फिर आप इन्हें फोक या स्पून से अलग अलग कर सकते हैं, और इन्हें फिर थोड़ी थोड़ी देर पर उलट पलट कर अच्छा सा क्रिस्पी होने तक। और देखिए अच्छा सा कलर भी आ गया, मैंने इन्हें फ्राई कर लिया। अगर लगे बहुत ज़्यादा कढ़ाई में हीट हो गई तो थोड़ा सा गैस का फ्लेम हाई मीडियम भी कर सकते हैं। और देखिए मैंने एक बैच निकाल लिया, ऐसे सारे फ्राई कर लूँगी। ये देखिए मैंने फ्राई कर लिए सारे, चलिए प्लेटिंग करके आपको दिखाती हूँ। मैंने केचप के साथ सर्व किया, आप किसी भी होममेड चटनी के साथ, गर्मा गर्म चाय के साथ, ये देखिए कितना क्रिस्पी है, आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स मेरा सूजी आलू नाश्ता रेसिपी आपको पसंद आई हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ, और लाइक कमेंट ज़रूर करना, और कमेंट करके मुझे बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मुझे पढ़कर अच्छा लगता है, और लाइक बटन को जरूर प्रेस कर दिया करें। और चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे मेरे आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मेरे चैनल पर और भी सूजी नाश्ता, गेहूं के आटे से बने नाश्ता, ब्रेड नाश्ता अपलोड हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और आप बच्चों को खिलाएँ, बड़ों को खिलाएँ, सभी को पसंद आएगी। बनाने के बाद मुझे फीडबैक जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने मेरी ये वाली रेसिपी नहीं देखी तो जाइए मेरे चैनल पर देखिए, और मैं फिर मिलूंगी आपसे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।